I want to start this video by saying equipment doesn't matter. तो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहले में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू व्लॉग विथ फोन एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टाइम लैप्सिस और स्लो मोशन का यूज़ करके अपनी वीडियो को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो. और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आई एम 100% श्योर कि आप भी किलर वीडियोज़ बना पाओगे. तो चलिए शुरू करते हैं. क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि भाई मुझे भी वीडियोस बनानी है पर मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है तो मैं क्या करूं? तो भाई मेरी बात मानो, अपना फ़ोन उठाओ और वीडियोस बनाओ. हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है बट हम इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. हमारे फ़ोन में 4K, स्लो मोशन, स्टेबलाइजेशन, टाइम लैप्स जैसे बहुत से फीचर होते हैं जिनका हम कभी यूज़ भी नहीं करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू व्लॉग विद फ़ोन. तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम वीडियोज़ बनाते हैं तो हम फ़ोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और साथ ही हम खुद को देख पाते हैं. मगर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम कभी मैक्सिमम क्वालिटी में शूट कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमेशा फ़ोन का बैक कैमरा फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ज़्यादा अच्छा होता है. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप वीडियोज़ बनाए तो फ़ोन के बैक कैमरा से वीडियो बनाए ताकि आप मैक्सिमम क्वालिटी अचीव कर पाए. और फ्रंट कैमरा से वीडियोज़ बनाने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हम हमेशा स्क्रीन को देखते रहते हैं जिससे ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट नहीं हो पाता. इसका आप एक एग्जांपल देखिए. सो अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ और मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ और आप लोग भी देख सकते हैं मेरी आंखें इस टाइम आपको टेढ़ी सी दिख रही होगी. और अब मैं यही वीडियो फ़ोन के बैक कैमरे से बनाऊँगा. सो ये वीडियो मैं फ़ोन के बैक कैमरे से बना रहा हूँ और मेरी नज़रें अभी कैमरे की तरफ है तो आप देख सकते हैं आई कांटेक्ट अच्छा है, साथ ही आपको क्वालिटी में भी फ़र्क दिख ही रहा होगा. तो अब हम बात करते हैं ऑडियो एंड लाइट्स की. एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपकी एज़ कम्पेयर टू वीडियो की क्वालिटी. आपकी वीडियो अच्छी ना भी हो फिर भी लोग उसको देख लेंगे क्योंकि लोग ऑडियो सुन के उसका कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं. बट अगर आपकी वीडियो अच्छी ऑडियो खराब हो तो ऐसी ज़्यादा देर तक कोई नहीं देख सकता है. तो सबसे पहली चीज़ जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है वो है ऑडियो. तो इसके लिए सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा टूल है एक लैब माइक, जैसा कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ. जो मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक ये बोया का माइक है और ये 800 रुपए के आसपास का माइक है. ये कैमरा और फ़ोन दोनों में कंपेटिबल है. मगर ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इतना ही महंगा माइक लेना है. आपको 200 से 300 रुपए तक के बहुत सारे लैब माइक ऑनलाइन मिल जाएंगे. जैसी वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ एक टॉकिंग हेड वीडियो, ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए लैब माइक बहुत अच्छे हैं. मगर यदि आपको आउटडोर में शूट करना है लाइक आपको व्लॉगिंग करनी है तो ऐसे में लैब माइक उतने अच्छे नहीं होते क्योंकि ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल से होते हैं और उतने पोर्टेबल भी नहीं होते. तो ऐसे में आप यूज़ करते हैं शॉटगन माइक. तो जो मैं शॉटगन माइक यूज़ कर रहा हूँ वो बोया का माइक है और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने एक शॉटगन माइक लेना है तो बोया का ये माइक ले. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बल्कि जितने भी मेरे गैजेट्स हैं, मेरे इक्विपमेंट है, सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए है. आप वहाँ से जाके अगर कोई भी चीज़ परचेज करना चाहे तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं. तो जो ये बोया का माइक है इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ है सब मैं बोया के माइक से ही मैंने सारा ऑडियो रिकॉर्ड किया है और जितने मैं वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करता हूँ वो भी इसी माइक से रिकॉर्ड करता हूँ. तो ये एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है. अब बात आती है लाइट्स की. अगर आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप DSLR से वीडियोस बना रहे हो बट आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं है तो आपका रिजल्ट जो होगा वो फ़ोन के आसपास का ही रहने वाला है. कोशिश करें जब भी आप वीडियोस बनाएं तो लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए. मैं लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने रिसेंटली परचेज़ की है. मगर ज़रूरी नहीं है कि आपको भी लाइट्स परचेज़ करनी है. आप नेचुरल लाइट को यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप दरवाजे के सामने वीडियोज़ बना दें या विंडो के सामने बैठ के वीडियोज़ बना दें या आउटडोर वीडियोज़ बना दें. बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डार्क सिचुएशन में वीडियो नहीं बनानी है. अगर आप लाइट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी एक LED लाइट में इन्वेस्ट करें क्योंकि ये पोर्टेबल होती है और इसका आपको एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि आप नाइट में भी शूट कर सकते हैं और लो लाइट सिचुएशंस में भी शूट कर सकते हैं. तो अब आते हैं हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कि आप कैसे स्लो मोशन और टाइम लैप्सिस को यूज़ करके अपनी वीडियोस में वैल्यू ऐड कर सकते हैं. तो पहले बात करते हैं स्लो मोशन / सिनेमैटिक्स की. तो स्लो मोशन किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है. आप एक एग्जांपल देखिए. हेलो गाइस, तो मेरा न्यू लेंस आ गया है और इसको अनबॉक्स करते हैं.
हेलो गाइस, तो मेरा न्यू लेंस आ गया है और इसको अनबॉक्स कर लिया। ये तो बस एक एग्जांपल था। इसके अलावा आप चलते हुए स्लो मोशन शॉट्स ले सकते हैं। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहाँ आपका फूड आ गया है, उसको दिखाने के लिए आप स्लो मोशन शॉट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी चीज़ की डिटेल्स को दिखाने के लिए भी स्लो मोशन शॉट्स को यूज़ कर सकते हैं। और फिर बात आती है टाइम लैप्स की। टाइम लैप्स टाइम की पासेज को दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। आप इसको सनराइज और सनसेट दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा टाइम की पासेज, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फूड रेस्टोरेंट में आ गया है, आपने उसके स्लो मोशन शॉट्स भी ले लिए हैं, अब उस शॉट की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए आप एक टाइम लैप्स ले सकते हैं। और इसके अलावा आप एक सीन से दूसरे सीन के बीच जंप करने के लिए भी एक टाइम लैप्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि केसी नाइस्टार्ट करते हैं। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके दिमाग में बहुत बार ये ख्याल आएगा कि अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ बना देता। तो ऐसे में आपको खुद को ये रिमाइंड करवाना है कि इक्विपमेंट डजंट मैटर, क्योंकि केसी भैया ने भी कहा है, इफ़ द राइट इक्विपमेंट वॉज ऑल इट टुक टू बी गुड देन रिच वुड ऑलवेज विन। याद रखें, अच्छे कैमरा से आपकी वीडियोज़ अच्छी दिखेगी, अच्छी हो नहीं जाएगी। तो कभी भी इक्विपमेंट को अपना बैरियर ना बनने दें। आपको स्टोरी टेलिंग, कैमरा एंगल्स, टाइपोग्राफी, म्यूजिक, कलर ग्रेडिंग जैसी चीज़ों पर ध्यान देना है। और अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। वैसे ये जो वीडियो है, ये पूरी वीडियो मेरे फ़ोन पे ही शूट हुई है। और नीचे कमेंट्स में ये भी बता दीजिएगा कि आपको इस वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी। वीडियो के लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि या तो आप बहाने बना दें या आप वीडियोज़ बना दें। वीडियोज़ बना दें तो अच्छा है।